शहद में गुड़ के मेल का डर, घी के अंदर तेल का डर, तंबाकू में खाद का खतरा, पेट में झूठी घात का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की मिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई। दोस्तों आप ही बताइए जरा, इस मिलावट भरी दुनिया में आखिर कोई व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है। लेकिन दोस्तों ये मिलावट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हमारी इस मिलावट भरी दुनिया में एक ऐसी घिनौनी चीज भी शामिल है जिसके बारे में जानने के बाद शायद आप उसको दोबारा खाना तो क्या खरीदना भी पसंद न करें। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कौन सी है वो ऐसी घिनौनी चीज जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों लेस चिप्स का पैकेट जो हर भारतीय घरों में पाया जाता है, और शायद ही कोई भारतीय परिवार इन चिप्स आदि से अपने आप को बचा पाया होगा, तत्काल हमें उस समय की याद आने लगी जब MSG का पता चलने पर हर स्टोर पर किसी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर नजरें गड़ा कर ये देखने लग जाते थे कि कहीं इसमें MSG तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, MSG क्या है, ये MSG कैसे बनता है, किससे बनता है, क्या नुकसान है इसके, सब बताएंगे आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुअर की चर्बी से बना पदार्थ है और अब ये MSG से हटके E631 में तब्दील हो गया है। पहले इस MSG को बंद कर दिया गया था और पैकेट्स पर भी बड़े अक्षरों में खासतौर पर दिखाया जाता था No MSG। लेकिन क्या पता था कि कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं E631 की, जिसे लेकर कुछ अरसों पहले पाकिस्तान में भी हंगामा हुआ था और बहुत से अन्य देशों में भी हंगामा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पदार्थ को कई अन्य देशों में बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे देश में स्वाद के नाम पर इस बीमारी को तेजी से खाने में उपयोग किया जा रहा है। भारत में लेस चिप्स का पैकेट उठाकर देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि E631 नाम का इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद है, जो कि सुअर की चर्बी से प्राप्त होता है। और ज्यादातर ये पदार्थ नूडल और चिप्स में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुअर ही ऐसा प्राणी है जिसमें सभी जानवरों से अधिक चर्बी होती है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि चर्बी से लोग बचते हैं तो भला इस चर्बी का क्या किया जाए। पहले इसे जला दिया जाता था, लेकिन फिर इन मल्टीनेशनल कंपनियों का दिमाग दौड़ने लगा और इस चर्बी का उपयोग साबुन वगैरह में किया जाने लगा। और ये फॉर्मूला हिट रहा, जिसके बाद इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए खाने की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और इसे गुप्त संकेतों वाली भाषाओं में उपयोग किया जाने लगा था, ताकि MSG की तरह E631 भी कहीं बैन न हो जाए। इसे अब केवल संबंधित विभागीय जान सकते हैं कि ये क्या है, ताकि आम उपभोक्ता इन सबसे अनजान रहें। और तब से ये E631 नामक पदार्थ कई चीजों में उपयोग किया जाने लगा। मुख्य चीजें हैं टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंग गम, चॉकलेट, मिठाई, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट इत्यादि। और तो और कुछ मल्टीविटामिन गोलियों में भी सुअर की चर्बी से बनने वाला पदार्थ E631 इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सुअर से परहेज करते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए कोड आपकी सहायता कर सकते हैं। ये ई कोड है जो कि सुअर की चर्बी से ही बनने वाले पदार्थ का कोड है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन मिलावटी चीजों को बनाने वालों के साथ क्या करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।